भारत में ऐसी सेवा नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक बालक की ऐसी सेवा देख के आए हम। एक बालक आया, लोग आते थे तो एक बालक ने बोला, महाराज जी मेरे ठाकुर जी के दर्शन करो। मैंने दिखाओ, तो उसने फोटो दिखाया, तो फोटो में क्या था, मुकुट रखा है, कुंडल पधराए हैं, मालाएं धारण हैं, पर बीच में केवल ऐसी एक गोल आकृति छोड़ी हुई है, उसमें केवल एक वस्त्र है और पीछे एक सुंदर से किसी, मानो ऐसा लग रहा था कोई कुछ स्थूल सा वस्तु है, उसको कपड़े पहना रखे, उसी पर मुकुट, उसी पर कुंडल, उसी पर सब आभूषण धारण। मैंने कि भैया बड़े अद्भुत ठाकुर जी हैं तुम्हारे, ये कैसे ठाकुर जी हैं, इनकी आंख नाक कान मुंह सब कहाँ है। बोले महाराज जी सब हैं, देखो आप ध्यान से। मैंने कि लाला मुंह ना दिख रहे, तू बता। तो बोलो महाराज जी ये वृंदावन की ब्रज रज है, मैं ब्रज रज को ही युगल सरकार मान करके उनका श्रृंगार करता हूं। मैंने कि लाला पूरे विश्व में सब ठाकुरन की सेवा कर रहे हैं, पर तेरी सेवा सर्वोपरि है। मैंने कि ये कथा मैं अपनी एक कथा में सुनाता हूं, एक कथा सुनाते हैं हम, कि वृंदावन में 5-6 वैष्णव आपस में मिले, सब बात करने लगे, कोई बोलो मेरे गोपाल जी तो ऐसे, कोई बोलो मेरे युगल सरकार ऐसे, कोई बोलो मेरे गिरधर लाल ऐसे, चौथा भक्त जो था वो शांत बैठा था, सबने कही अरे तेरे लाल, तेरे ठाकुर जी कैसे। बोले मेरे ठाकुर जी बहुत ही सुंदर हैं। बोले हम सबने एक दूसरे के ठाकुर जी देखे, तेरे ठाकुर जी कभी नहीं देखे। तो वो बोलो मैं अपने ठाकुर जी को दर्शन ना कराऊंगो। और क्यों ना कराएगो। बोले मेरे ठाकुर जी को देख करके सब यूं कहेंगे, ये कैसे ठाकुर जी। तो बाकी के वैष्णव बोले अरे हमें दर्शन करा दे भैया। बोले नहीं तुम लोग कहोगे ये कैसे ठाकुर जी। बोले हम सौगंध खा रहे हैं, हम नहीं कहेंगे ये कैसे ठाकुर जी। बोले पक्का। बोले बिल्कुल पक्का, तू ले चल हमें अपने कुटिया में लेके आयो। सो कुटिया में जैसी बने की ये रहे मेरे ठाकुर जी। तो क्या था, एक पाटा था, पाटा के ऊपर घड़ा रखा था और घड़े पे ही तिलक चंदन पुष्प आदि सब पधराए हुए थे, उसी पे ही वस्त्र पधराया हुआ था। बोले ये रहे मेरे ठाकुर जी। तो जो बाकी के वैष्णव आए उनके मुंह से निकल ही गई, जे कैसे ठाकुर जी। बोले मैंने पहले ही कही थी यो मत कहना ये कैसे ठाकुर जी। अरे नहीं नहीं लाला, ठाकुर जी तो बड़े गोल मटोले तेरे मटका से, लेकिन यो तो बता ये ठाकुर जी हैं कैसे। तो उसने कहा, बोले वृंदावन में जितने भी ब्रजवासी हैं, वृंदावन में जितने भी रसिक जन हैं, वृंदावन में कोई भी संत आते हैं, कोई भी हरिस्मरण करते हुए वैष्णव भक्त वृंद मुझे विचरण करते हुए दिखते हैं, मैं उनके पीछे पीछे चल करके वो जैसे जैसे पग आगे बढ़ाते हैं उनकी रज उठा उठा करके या घड़ा में भरतो जाऊं, और यही मेरी सेवा है, मैं उनकी रज की ही सेवा कर रहा हूं। ये समस्त वृंदावन के ब्रजवासी और रसिक जनन की रज है, वही रज ही श्यामा श्याम के रूप में विराज रहे, मैं उनकी सेवा करूं। अब बताओ ये कैसे ठाकुर जी। निर्गुण निराकार ऐसे ठाकुर जी। तो विषय ये चल रहा है कि भगवत प्रेम यदि चित्त में प्रकट करना हो तो उसके लिए क्या करें। रसिक जनों की संगति, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, उनकी चरण रज माथे से लगाओ, और केवल चरण रज से काम नहीं बनेगा, फिर उनके वचनामृत श्रवण करो, और वचनामृतों में जो भगवत प्रेम वो बताते हैं उसको अटूट विश्वास के साथ में चिंतन करो। बंधुओं याद उसकी आती है, प्रेम उससे होता है जिसको हम अत्यंत करीबी बना लेते हैं, जिसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, जिसके बिना हम रह नहीं पाते, उसका विरह होता है। हमने ठाकुर जी को अपना बनाया नहीं इसलिए उनका विरह नहीं होता, हम ठाकुर जी के बिना रह सकते हैं इसलिए उनका विरह नहीं होता। अभी ये प्रारंभिक बात बता रहा हूं, कई वैष्णव तो ऐसे भी हैं वो बेचारे इतने परेशान हैं, इतना विरह हो गया अब क्या करें। दोनों में सहायक हमारी श्यामा जू है, विरह प्राप्त भी वही कराएंगी ठाकुर जी का, और विरह से निवृत्त भी श्यामा जू ही कराएंगी। सबसे पहले तो रसिक जनों की संगति करके, रसिक जनों के समीप बैठ करके
उनकी भगवत वाणी सुनकर के उस पर अटूट भरोसा करके ठाकुर जी की लीला का चिंतन किया करो। ये हम जो लीलाएं सुनाते हैं ना, या जो भी कथा वक्ता लीला सुनाते हैं ठाकुर जी की, उस लीला का श्रवण करने के बाद में एकांतिक चिंतन निश्चित किया करो। और एक बात बताऊं आपको, जितनी लीला सुनी है उतने तक सीमित मत रखो, उस लीला में अपने भाव भी कुछ जोड़ो और उस लीला का और विस्तार करो और सुंदर सुदृढ़ बनाओ उसको। जैसे हमने कोई लीला सुनाई और उस लीला में यह बताया कि श्यामा श्याम राज विहार कर रहे हैं, ललिता विशाखा आदि सब मृदंग बजा रही हैं, वीणा बजा रही हैं, करताल बजा रही हैं, पखावज बजा रही हैं, आपका मन उस समय क्या विचार करना चाहिए कि महाराज जी जो लीला सुना रहे हैं उस लीला में सब व्यवस्था है, ऐसी कौन सी अव्यवस्था है जिससे श्यामा श्याम को, जिसकी श्यामा श्याम को आवश्यकता है, वो व्यवस्था मैं करूं लीला में। अब आपने सुना ललिता जी पखावज बजा रही हैं, विशाखा जी वीणा बजा रही हैं और आदि आदि सखियां सब मृदंग आदि करताल बजाते हुए गा रही हैं, श्यामा श्याम नृत्य कर रहे हैं, तभी आपके मन में भाव आया सब व्यवस्था है, किशोरी जी ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते करते उनको प्रश्वेत आ रहे होंगे, पसीना आ रहे होंगे, अरे कोई पंखा नहीं झल रहे हो है, तुरंत आपने अपने आप को एक सखी रूप माना और आप तुरंत हाथ में एक सुंदर सो बीज ना लेकर के गए और श्यामा श्याम की लीला में उनको पंखा करने लगे, स्वयं को लीला में पहुंचा दिया। ये बहुत ऊंची स्थिति है, इस स्थिति में पहुंचना कठिन बहुत है पर रसिक जनों की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा और ब्रजरज की कृपा से संभव है। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये जितने भी हमारे आचार्य गण हुए, इन सबों ने इसी प्रकार लीलाओं में ठाकुर जी के साथ अपना अपना भाव प्रस्तुत किया। एक लाली आई थी परसों कथा में, उसको ऐसी लीलाओं का चिंतन होता है, वो पहले भी दो चार लीला मुझे सुना चुकी है और बहुत सुंदर लीलाओं का चिंतन होता है। परसों मुझे एक लीला सुनाई, बोले महाराज जी मन में भाव आता है। मैंने क्या भाव आता है? बोले ठाकुर जी कह रहे हैं कि रास में किशोरी जी साथ हैं। लो लीला कछु ऐसी है कि ठाकुर जी ने माइक बंद कर दो, मत बतावे, अंतरंग है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांक बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांक बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। ऐसा भाव चिंतन है कि महाराज जी ठाकुर जी सब लीलाओं में किशोरी जी संग रहती हैं, रास में किशोरी जी साथ में हैं, सांझी लीला में किशोरी जी साथ हैं, गोवर्धन लीला में किशोरी जी साथ हैं,
सब लीलाओं में किशोरी जी साथ ही हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी के मन में विचार आयो कि एक लीला में किशोरी जी हमारे संग नहीं है। बोले काय में? बोले चोरी में, हम चोरी करवे जामे वहां में किशोरी जी नहीं है साथ में। और बिचारे ये सबरे मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा ये सबरे दौड़ दौड़ के हांप चुके हैं, पर किशोरी जी को ये सुख नहीं मिलो कि चोरी करो और भागो। कितना सुंदर देखो चिंतन। तो मैंने कि फिर क्या चिंतन हुआ? बोले महाराज जी ऐसा चिंतन आया कि ठाकुर जी बोले किशोरी जी को भी चोरी करवाओ और फिर चोरी करवे के बाद जाकी चोरी करिए वो पीछे भगेगो और फिर अपने वस्त्र लत्ता फतनाने पकड़ करके दौड़ेंगे और कितनी जोर से दौड़ करके भागेंगे वाते बच करके वहां में हम किशोरी जी को जब देखेंगे तब सुख मिलेगा चित्त को, तब आनंद मिलेगा कि हाँ किशोरी जी से ये दौड़ रही किशोरी जी। मैंने कि भाई बड़ी अद्भुत लीला सोच के। अच्छा एक बात बताऊं, ये लाइट जाना मैंने हमेशा से कहा है कथा में लाइट जाए समझो ठाकुर जी आ गए। तो जैसे ही ये लीला प्रकट भई मानो ठाकुर जी आ गए। बोले हाँ श्री श्री जी की चोरी बता। तो ठाकुर जी ने क्या किया, किशोरी जी के पास गए और किशोरी जी से जाके बोले कि हे श्यामाजू हमारे ब्रजमंडल में एक आम को बगीचा है और वहां बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे आम लगे, उनकी सुगंधी पा करके हम लोगन की जीभ में पानी आ जाए। किशोरी जी बोली तो का करूं, खा लो जाके। बोले अना अकेले थोड़ी खाएंगे, आप चलो संग में, वह बगीचा में ही चले, कल की लीला वहीं करेंगे और वह कुंज में चढ़ चढ़ के पेड़न सो आम तोड़ तोड़ करके प्रेम सो पाएंगे। मैं नेक चौंक करके देखूंगो आम मीठो भयो तो मैं आपको दे दूंगो, आप चौंक के देखो आपको मीठो लगे तो आप मुझे दे दियो। ऐसी पर दोनों किशोरी जी तो ऐसी बातन में आ जाए ठाकुर जी की में। वह लाली ने तो नेक नेक सुनायो फिर भाव मेरे कुछ बन गए वहां में। ललिता विशाखा बोली श्री जी अभी हाँ मत करियो। बोले या लाला की बात को भरोसा नहीं है, पहले या तो ठोक पीट के पूछ लो सबरी बात। अरे लाला कौन को बगीचा नाम बता। ठाकुर जी ने फलानो नाम बता दियो, वा को बगीचा। अच्छा बातें अनुमति ले ली तेने? बोला हाँ सब बात बात कर आया हूं मैं, बातें कल हम सब सखा आएंगे, माने माने इतने आम तोड़वे की अनुमति दे रही है, 100 आम तोड़ के तुम लोग ले जा सको, सब सखा सखी मैं और श्यामाजू। ललिता विशाखा बोली देख ले तेरी बात है गई है ना। बोले हाँ मैं बात करके आऊ, झूठ थोड़ी बोलूंगो। अरे मैं अपने लिए ऐसा कर सकूं कि बिन बताए कहीं तक कछु सामान ले लूं? श्री जी जाएंगी इनकी तो मर्यादा को भाव रखनो पड़े। और किशोरी जी बोली इतनो कह रहे हैं तो चल देंगे। किशोरी जी आई, ठाकुर जी तो पहले तो ही भौं अटका रहे हैं अपनी, आ जाओ आज आनंद आवे को। यहां सब सखी आई हैं, सब सखा खड़े हैं, ठाकुर जी और किशोरी जी मुखिया बन के एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ऐसा सुंदर आम को बगीचा चारों ओर लगो है। आहा अब होड़ भाई, अब होड़ तो सब जगह युवक कल हिंडोला में होड़ है रही, कौन बैठे को पहले, अब यहां पे भी होड़ हैन लगी, कौन चढ़ेगा पहले वृक्ष के ऊपर? ठाकुर जी के मैं चढ़ूंगा, किशोरी जी के मैं चढ़ूंगी। और सब सखी करी नहीं हमारी श्यामाजू चढ़ेंगी। अरे निमंत्रण मिलो है तो निमंत्रण के कारण हम लोग अतिथि हैं, अतिथि को पहले अधिकार दो। सब बातन की बात सखा सखीन में सब में नेक होड़ हैन लगी। इतने में ही भाई भाई दोनों चढ़ो, जो पहले ऊपर पहुंचाएगा वही आम खाएगा। एक तरफ तो किशोरी जी चढ़ी, दूसरी तरफ तो श्याम सुंदर चढ़े ऊपर, लेकिन ठाकुर जी तो चढ़ गए, ठाकुर जी तो चढ़ रहे हैं, छटपट चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किशोरी जी को ऐसा घेरावदार लहंगा, वो कभी कहीं ते अटक जाए कभी कहीं फंस जाए। किशोरी जी बोली या में बड़ो असंभव है चढ़नो। सोई किशोरी जी गई एक कुंज में गई और जाकर के अपना नवीन श्रृंगार करके आई, ठाकुर जी जैसी धोती पहन के, ठाकुर जी जैसी पीताम्बरी पहन के, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार करके कि अपने केशन को पीछे बांध करके सुंदर पाग सिर पर लपेट करके बिल्कुल श्याम सुंदर बन के आई हैं। लेकिन कैसी श्याम सुंदर है? बोले गौर सुंदर है, एक तरफ श्याम सुंदर एक तरफ गौर सुंदर। किशोरी जी बोले नीचे उतर के अब चढ़ेंगे दोनों संग में।
पहले तो हमने लहंगा पहनो, हमारी बबू फसको, अब दोनों की समान बिल्कुल वस्त्र अब चढ़ेंगे। आहा कितना सुंदर चिंतन है। अब की बार जैसी चढ़े तो छटपट महाराज स्वामिनी जी ऊपर चढ़ गई और ऊपर जाकर के बैठ गई। जय जयकार रहने लगी, हमारी स्वामिनी जी की जय हो, हमारी ब्रजमानु दुलारी की जय हो। ये सब दृश्य देख करके ठाकुर जी तो परम आनंद में भर आए। अब लाली को चिंतन तो ऐसा हो कि फिर ठाकुर जी मान करके बैठ गए, तो किशोरी जी उनको मना रही हैं, और फिर दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी गले में गलवियां। मैंने की लाली तेने जा भावते ये चिंतन कियो, वो पूर्ण तो भयो ही नहीं, बोले कहा चोरी को इल्जाम किशोरी जी पे तो लगो ही नहीं अभी तक। मैंने की अब यहां में भाव आगे जोड़ो, बोले कहा भाव जोड़ो, किशोरी जी जैसी आम चौंके तो जैसे ही मीठो लगे तो मीठो लेके श्याम सुंदर लो पाके देखो कितना सुंदर। तो किशोरी जी को उच्छिष्ट श्याम सुंदर पा रहे हैं और श्याम सुंदर को उच्छिष्ट किशोरी जी पा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे ठाकुर जी को आम में मन नहीं लग रहा है, बोल आज तो योजना कछु और है। किशोरी जी के जो जो आम है उनको लेके समीप में धरते जा रहे हैं या मधुमंगल श्रीदामा को देते जा रहे हैं, इनको धरतो रहे। अरे किशोरी जी की प्रसादी एकांत में बैठकाऊंगा, पहले काम तो पूरा कर लूं जाके काज आया हूं। इतने में ठाकुर जी ने मधुमंगल को इशारा कर दिया, बोले जा बगीचा के मालिक को बता दे चोर आ गए वाके बगीचा में। यहां पर सब सखी व्यस्त हैं, लेकिन तभी ठाकुर जी के मन में ये भाव आयो कि कहीं माली डंडा लेके आयो हम में पड़ जाए, मधुमंगल सीतामा पिट जाए वो तो ठीक है, लेकिन श्री जी के पास नहीं जाना चाहिए। अचानक ठाकुर जी को मन बदल गयो। ठाकुर जी ने कही एक काम करें, श्री जी को लेकर के मैं कोई दूसरी कुंज में चलो जाऊं और वो माली आवे को डंडानते ही सबरी सखी मेरे पीछे पड़ी रही ललता विशाखा जी सबरी पिटेंगी यहाँ पे। और इतने में ठाकुर जी ने किशोरी जी से कही हे श्यामाजू वो सामने को वृक्ष बड़ो पुरानो लग रहा है, ऐसा लगे वाके फल ज्यादा मीठे होंगे, आओ मैं और आप बा वृक्ष पर चलें। और ये सब सखी हारी तुम सबरी यहीं लगी नहीं हो, बढ़िया प्रेम से फलन को पइयो। हाँ अरे ए मधुमंगल श्री दामा तनसुका तुम सुरक्षा करो इनकी। ठाकुर जी तो श्री जी को लेकर के एकांत कुंज में चले गए और वहां परस्पर दोनों प्रिया प्रियतम आम चौंक रहे प्रेम से पा रहे। इतने में ही मधुमंगल लेके आ गो माली को, माने कि देख कितने सारे चोर लगे तेरे वहां में, और लेके महाराज डंडा भागो। तनसुका मनसुका सबरे भाग रहे, ललता विशाखा कूद कूद करके दौड़ रही है हे सामाजू कहां हो, हे सामाजू कहां हो। किशोरी जी को जैसी पता चली श्याम सुंदर जी कैसी लीला करी आपने, बोले हे किशोरी जी मेरी सर्विस सबरी लीला में आप मेरे संगी, एक चोरी लीला में संग नहीं तो आज वाकी भी पूर्ण होती है, अब चोरी में भी आप संग हो, अब आप रसिक बिहारी रास बिहारी सबके संग तो रही हो, अब चोर बिहारी के संग और रह लियो, अब सामाजिक पूर्णता वही है। तो ये चिंतन सामान्य नहीं है, ऐसे चिंतन ये रसिक जनों की कृपा से रज की उपासना से ही संभव है। तो जब भी कोई लीला सुना करे ना उस लीला का विस्तार और सोचा करो अपने मन में, और क्या हो सकता था इसमें भाव, और इस लीला में क्या सुंदर स्मृति। ऐसे ही लीला चिंतन करते रहोगे संसार के विषय विषादों का चिंतन करने का समय ही नहीं मिलेगा आपको, उसकी चिंता हो ही नहीं सकती आपको, उसमें परेशान हो गए ही नहीं आप, आपकी परेशानी तो यही रहेगी। बोले कहा शाम आशाम दोनों वन में गए और दोनों उनकी चुनरी अपना एक चिंतन भाव बताऊं। एक बार मैं लीला पढ़ रहा था तो लीला में क्या हुआ कि ऐसा भाव आयो कि किशोरी जी वन में भ्रमण कर रही हैं, सुई कहा भयो किशोरी जी की चुनरी उरज गई कोई लता सो। अब जैसे ही उर्जी सो ठाकुर जी वाकु सुरझावे गए। अब कई बार ऐसा होवे कि उर्जे भय को सुरझावे भयो वारो जब जावे का है तो सुरझावे वारो भी उरज जाए। तो किशोरी जी तो उर्जी भई है, यहां ठाकुर जी की पीताम्बरी भी उरज गई।
अब सब ललिता विशाखा योजना बना रही है, दोनों उनको कैसे सुरझाए हो जाए। लेकिन जैसे ही ललिता विशाखा सुरझावे गई, सोई मन में एक भाव आयो, अरे ललिता विशाखा काय को जा रही हो, क्यों इन दोनों को उर्जो ही रहने दो, ये दोनों उर्जे ही रहेंगे। उर्जो उर्जनो समझे ना, उर्जनो मतलब जैसे कोई सघन वृक्ष है, मां आपको कोई कपड़ा फंस जाए या कछु उरज जाए। मन में भाव आया, हे ललिता विशाखा काय को सुरझावे जा रही हो, ये दोनों डटे तो है ना, कभी कहीं चले जाए कभी कहीं चले जाए, आज इनको उर्जो ही रहने दो। और उर्जे भय दोनों ते अपने मन की सबरी कामना पूरी करवा लो आज। हे श्यामा श्याम, आप दोनों उरज गए हो आज, अब हम तब सुरझामेंगे, पहले हमको वचन दो। कहा वचन चाहिए? बोले पहले तो ये वचन दो कि ब्रज मंडल से हमको कभी दूर मत करियो। दूसरा वचन हमको ये दो कि या ब्रज के प्रति हमारो प्रेम दिन ब दिन बढ़तो ही रे। और तीसरा वचन हमको ये दो, हम जब चाहें तब युगल रूप हमारे सामने दर्शन दे दे। ये तीन मनोकामना पूरी करो तब तुम्हें सुलझाएंगे, नहीं तो नहीं सुलझा रहे। उर्जे रहो, यहीं पे खड़े रहो। अभी मन का भाव, पद में और लीला में तो ऐसा था कि ललिता विशाखा ने योजना बना के दोनों को सुलझा दिया, लेकिन मेरे मन में आओ काय को सुलझा रहे हो, उर्जो ही रहने दो, खड़े रहने दो, दोनों ते अपने मन की सबरे कामना पूरी करवा लो। ऐसे चिंतन, ऐसे विचार, ऐसे भाव, ये सब कैसे पुष्ट होते हैं? भागवत जी श्रवण करो, रसिक जनों की वाणी श्रवण करो, रसिक जनों की भले चरण स्पर्श मत करो पर उनके चरण रज माथे से लगाओ, और जब भी वो कोई लीला सुनाए उस लीला को चित्त में धारण करके एकांत में बैठे उसका विस्तार करो, उसका और सुंदर रूप बनाओ। संसार के विषय के चिंतन के लिए अपने आप को समय ही मत दो। और फिर आप देखना, जैसे ही ठाकुर जी की लीला में कुछ ऐसा आप करोगे जो अद्भुत था, आप नाचने लगोगे। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, अकेले बैठे बैठे नृत्य होने लगेगा, अकेले बैठे बैठे अश्रुपात होने लगेंगे, अकेले बैठे बैठे ठाकुर जी का खूब सुंदर भाव स्मरण होने लगेगा। ऐसे व्यस्त रखो लीला में अपने आप को, केवल 3 घंटा कथा सुनने के बाद में और फिर उसकी विस्मृति, उससे काम नहीं चलेगा। पूरे दिन चिंतन बना रहे ठाकुर जी का, और पूरे दिन काम में रहते हो नहीं कर पाते तो रात्रि सोने से पहले ये काम करके ही सोना है कि चिंतन करो। और एक बात याद रखना, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना तक चिंतन किया, कोई लीला विस्तार नहीं हो पाई, आपके 1 महीना के चिंतन का प्रभाव किसी दिन स्वप्न में ठाकुर जी आकर के लीला का विस्तार कर जाएंगे और आपको अनुभव करा जाएंगे। पिप्पलायन कहते हैं, जब तक प्रेमा भक्ति चित्त में प्रकट नहीं होगी तब तक आपको ठाकुर जी का अनुभव नहीं होगा। और प्रेमा भक्ति चित्त में प्रकट हो गई ना तो ठाकुर जी छुप नहीं पाएंगे आपसे। जैसे प्रहलाद ने कह दिया खम्भ में भगवान है, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने शालिग्राम से ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, जैसे श्री एकनाथ जी ने सामान्य जीव में से श्री पंडरीनाथ भगवान को प्रकट कर दिया, ऐसे ही हम में भी एक सामर्थ्य तो नहीं कहूंगा पर ये योग्यता प्राप्त हो जाएगी कि हम भी ठाकुर जी को ऋषिकेश में रहें, विदेश में रहें, कहीं रहें, वहीं रहते हुए भी ठाकुर जी को प्रकट कर सकते हैं। ऐसी प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति की अग्नि से ही हृदय के विकार नष्ट होंगे, और हृदय के विकार जैसे ही नष्ट होंगे ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाएगा, ठाकुर जी का अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार 9 योगेश्वर अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं, और निमि अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं, 9 योगेश्वर उनका उत्तर दे रहे हैं। इसी प्रकार से पूरा 9 योगेश्वर संवाद यहाँ पर चल रहा है। अभी तो बड़े प्रश्न बचे हैं, अभी तो 4 ही प्रश्न हुए हैं, और भी आगे कई प्रश्न हैं, उन सबको हम प्रणाम मात्र कर देते हैं। जो शेष प्रश्न बचे हैं, शेष भाव बचे हैं ऋषिकेश में रहने वाले लोगों के लिए, 7 दिसंबर से
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, सात से तेरह दिसंबर तक गीता भवन नंबर सात हम कथा करने फिर आएंगे। और वो अकिंचन नहीं होगी, दिसंबर में तो बड़ो जाड़ो पड़े भैया, और गंगा जी में तो यहाँ तो वैसे ही हमारे जो है का रूह कांप रही होगी, कांपते कांपते आप सब कथा में आओगे। लेकिन वो कथा तो सामान्य जैसे सप्ताह कथा होती वैसी कथा है, पर कथा का समय सुबह रहेगा 10 बजे से। आप सब लोग 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक गीता भवन नंबर 7 वहाँ पर आकर के अन्य भाव सुन सकते हैं। खूब आनंद के साथ में आज के इस अकिंचन सत्र को हम विराम देंगे। श्री नीलकंठ महादेव के चरणों में बैठ करके 4 दिन की अपनी ये पुष्पांजलि, और 4 दिन का ये ऐसा कहूँ कि हमारा ये अभिषेक महादेव को वाणी का हमने किया, जैसी तैसी टूटी फूटी वाणी थी उससे करने का प्रयास किया, उसके लिए महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। पर्वतराज हिमालय को वंदन जिन्होंने ये सन्निधि प्रदान की, हमारे आहूजा परिवार जिनके सत्संकल्प से ये सुंदर क्रम यहाँ पर सुव्यवस्थित हो पाया। आज पूज्य महाराज जी हमारे मध्य में पधारे, महाराज जी की बड़ी कृपा है, आप साक्षात श्री गंगा जी के सुपुत्र ही हैं। महाराज जी ने गंगा जी के स्नान में हमको बहुत सारे भाव बताए हैं। महाराज जी के साथ का गंगा स्नान एक अद्भुत गंगा स्नान रहा है, ऐसा गंगा जी का प्रबल प्रेम लेकर के मानो साक्षात गंगा जी पधारी आज कथा में। तो ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी परम पूजनीय श्री रविंद्रानंद जी महाराज, श्री भगवत धाम, इतना सुंदर स्थान है हरिद्वार में भगवत धाम, वहाँ से पूज्य महाराज जी आए। इस बार महाराज जी की सन्निधि में भी कथा है नवंबर में, हापुड़ में, हापुड़ में महाराज जी, हापुड़ में कथा है, उसमें भी आनंद लेंगे हम। आप सब लोगों को अब हम अपनी वाणी से प्रणाम करते हैं। कल हरियाली तीज है, और प्यारे श्री गिरधर लाल जी का बड़ा मधुर उत्सव वृंदावन में फोगला आश्रम में है। शाम 5 बजे से ठाकुर जी हिंडोला में विराजेंगे, और बड़े आनंद के साथ में ठाकुर जी झूला झूलेंगे। वैसे तो हम कहते नहीं ज़्यादा, पर कल हमारा जन्मदिन भी है, और आप सब लोग श्रोता हैं, पर आशीर्वाद देने का अधिकार है, तो आप सब हृदय से आशीष हमको प्रदान करना। और आशीर्वाद क्या चाहिए सुनो, आशीर्वाद केवल एक चाहिए कि भगवत कथा और भगवत सेवा के अलावा हम बाकी के सारे कामों में नालायक हो जाएं, बाकी और कोई काम हमसे बने ही नहीं। संसारी कोई काम अगर हमसे कोई चाहता भी है कि भाई तुम ये करो, तो वो काम हमसे बिगड़ ही जाए, बन ही नहीं पाए। लेकिन ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी की कथा, इसमें हम खूब ऊपर बने रहें। जैसे कल वो आ रहा था ना भाव, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं, अगर आप नीचे बैठा तो बैठो रहूं, ऊपर चढ़ाओ तो चढ़ जाऊं, और तो कुछ नहीं, केवल यही भाव चाहिए। आप सब आशीष देना कि व्यास जी को ठाकुर जी जब तक अंतिम श्वास है तब तक अपने स्वरूप की सेवा और कथा की सेवा से कभी वंचित मत होने देना, बस यही हमको वरदान चाहिए। बाकी संसार के कोई भी काम हमसे ना बने, पर ठाकुर जी के काम में खूब निपुणता आ जाए, ठाकुर जी की सेवा में खूब निपुणता आ जाए, कथा गाने में खूब निपुणता आ जाए, और किसी भाव में हमको निपुणता नहीं चाहिए, बस ठाकुर जी में निपुण बने रहें, ऐसा आशीष आप सब लोग प्रदान करना। उसके बाद 11 अगस्त से पंढरपुर महाराष्ट्र में श्री पंढरीनाथ भगवान के चरणों में प्रथम बार भागवत की कथा है। महाराष्ट्र के वैष्णव संतों का चिंतन होगा, आनंद होगा, पंढरपुर में सुख मिलेगा ठाकुर जी का। और फिर 20 अगस्त से 26 अगस्त तक, मतलब जन्माष्टमी तक, हम अपने जीवन की सबसे पहली भक्तमाल कर रहे हैं जयपुर में। जयपुर में भक्तमाल की कथा है, सी स्कीम क्षेत्र में होगी, जो वहाँ की कॉलोनी है उसमें ये कथाक्रम रहेगा। आप सब लोग वहाँ भी आ सकते हैं खूब आनंद से। अच्छा, कल मन में भाव आया कि भक्तमाल जी में तो बड़े भक्तों की कथा है, तो कौन से भक्तों का भाव रखेंगे? तो हमने 2 पर्ची बना के ठाकुर जी के आगे डाली है। एक तो राजस्थान के भक्त,
जिसमें मीरा बाई, करमेती बाई और धन्ना धन्ना जाट आदि आदि इन सब भक्तों के चरित्र, और या फिर दूसरी पर्ची डाली है हरित्रयी, तीन हरि हुए हमारे वृंदावन में, स्वामी श्री हरिदास, श्री हितरिवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास। इन तीनों के प्रसंगों को लेकर के या तो हरित्रयी पर चर्चा होगी या फिर राजस्थान के भक्त, और पर्ची लाल जी के चरणों में पड़ी है। कल हिंडोला उत्सव में ठाकुर जी जो आज्ञा करेंगे उन प्रसंगों पर जयपुर में 7 दिन का क्रम रहेगा, भक्तमाल जी का जन्माष्टमी तक वो क्रम रहेगा। फिर उसके बाद 29, 30 और अगस्त 31 का महीना है ना, है? हाँ, तो 29, 30, 31, 1 और 2, 5 दिन का नंदोत्सव है वृंदावन में। 29, 30, 31, 1 और 2, 5 दिन का अपने श्री गिरधर लाल जी के भवन में ही भागवत कृपा निकुंज में नंदोत्सव और ब्रज लीला पर 5 दिन का क्रम रहेगा, उसमें हम सब आनंद करेंगे। ऐसे क्रम चलते रहेंगे जगह जगह, तो इस प्रकार आप सब लोग आनंद से उसमें पधारिएगा। हम सबको प्रणाम करते हैं, सबके हृदय में विराजमान हमारे श्याम सुंदर को वंदन करते हैं, और एक ही भाव ठाकुर जी से जो हम हर कथा के विश्राम में कहने का प्रयास करते हैं, बधा स्वर दो, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई दीजो श्री ब्रज धाम। हे श्यामा जू, आप कृपा करके या उत्सव की बधाई में हमको वृंदावन प्रदान करो। वन उपवन और मोर बानर में, वन उपवन और मोर बानर में, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, लिख लीजो मेरो नाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई दीजो श्री। श्यामा हृदय कमल सो प्रकट हो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकट हो, श्यामा सब सुख सागर रूप जागे रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप जागे रहे वृंदावन धाम, हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, गोस्वामी प्रकट कियो जहां, राधा गोविंद रूप निधान वृंदा।
चरण विष दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। साक्षात राधा रमन जी पधारे, ला उनको यहाँ विराजो, रुक जाओ ले आएंगे, आप ही लेके आओ, लाओ जिनके लाल जी हैं वही लेके आओ, मैं लाओ। बोले राधा रमन लाल की, वाह जय हो। हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम, आतु
रहत हरि वंश पुकारो राधा राधा ना हे बड़ो प्यारो राधा ना बड़ो प्यारो राधा ना हे बड़ो मीठो राधा ना बड़ो मीठो राधा ना हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज वृंदावन हे प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे शिव वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज वृंदावन हे प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे शिव वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमार जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमार हाँ प्यारो नवल कुंज ही अमार प्यारो नवल कुंज ही अमार हे कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरि।
सबको जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन्नारायण। श्री गिरधर लाल जी के अभी दर्शन होंगे और हम भी अभी मिल लेंगे और फिर हमको प्रस्थान करना है। पुनः ऋषिकेश की भूमि पर आएंगे दिसंबर में, फिर कथा यहाँ पर सुनाएंगे। आप सब लोग जरूर पधारिएगा, पर्वतराज हिमालय को एवं यहाँ विद्यमान समस्त दैवी शक्तियों को बारम्बार प्रणाम, आप सबको बारम्बार वंदन। करते हुए मुख्य यजमान निमित्त मात्र जिनके प्रकल्पों से ये कथा का
शुभ आयोजन हमारे आहूजा परिवार, इनके लिए एक बार करताल ध्वनि बजाओ। एक परिवार के सत्संकल्प से कितने वैष्णवों को ये सुख मिला। हमने कोई कसर तो छोड़ी नहीं आपको कष्ट देने में, इतना गहरा कहीं यहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाए, ऐसी जगह तो कथा रखे, लेकिन फिर भी आप सब लोग आए। निश्चित ही किशोरी जी की कृपा आप सब पर, हमारे वैभव भैया जिन्होंने खूब सब व्यवस्था यहाँ ढूंढी, इनको भी बहुत बहुत। ठाकुर जी बस ऐसे ही आपको और व्यस्त रखें सेवा में, खूब आपकी कमर कस के रखें, रात में फोन करें तो सुबह तक वो कार्य पूर्ण हो जाए, इतना बढ़िया भाव। ये भी एक वैष्णव गुण है, कोई भी आज्ञा। हम तो विदेश में थे, मैंने दो बार बात की होगी इनसे, मैंने कहा ऐसा ऐसा कुछ रखो, बोल महाराज जी मैं करूँगा जैसी व्यवस्था है। इन्होंने करने का खूब अच्छा प्रयास किया। हमारे साथ गंधर्व जन वृंदावन से पधारे, इनको बारंबार प्रणाम। हमारे सब सखा मंडली सब, हमारे विप्र वृंद सब आए, सबको प्रणाम। और जो भी यहाँ व्यवस्था, जिनका ये सुंदर रिजॉर्ट है, वो भी परम वैष्णव हैं, उनको देख करके वैष्णव अभी दिख नहीं रहे यहाँ पर, कहाँ बैठे हैं? अच्छा वहाँ बैठे हैं कोने में, संजय अग्रवाल जी जिनका ये रिजॉर्ट है, उनको भी बहुत बहुत ये आ गए। एक बार दर्शन तो करा दो सबको आप। ये इनका ये सुंदर स्थान है। हमारे शास्त्रों में ऐसी आज्ञा करते हैं कि हाँ हमारा ही है तो चाबी दे दो सर। तो वाह, और आप ब्रजमंडल के ही हैं, हमारे ब्रज से ही हैं, इसीलिए स्थान का नाम वृंदावन है। तो देखो इसीलिए लाल जी आ गए, क्योंकि ब्रजवासी को स्थान है। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि महादेव एक भूमि को प्रणाम कर रहे थे, तो पार्वती जी ने पूछा आप इस भूमि को प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो महादेव कहते हैं देवी इस भूमि पर इतने वर्ष पहले कथा हुई थी, इसलिए भूमि पवित्र हो गई, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। मतलब जहां कथा हो जाती है महादेव उस भूमि को प्रणाम करते हैं। आगे चल करके महादेव ने एक भूमि को फिर प्रणाम किया, तो पार्वती जी बोली यहां पे भी कथा हुई थी? बोले नहीं यहां कथा हुई नहीं, यहां इतने वर्ष बाद होगी, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो मतलब जिस भूमि पर आप बैठे हो महादेव ने इसको चुना है। कथा कहीं भी हो पूरे विश्व में, वो महादेव के द्वारा चुनी गई भूमि होती है। तो ये निश्चित ही महादेव ने इसका चयन किया। श्री लाल जी पधारे।